मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे मन लगाकर आप सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट का पाठ 4 गेहूँ और गुलाब को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम गेहूँ और गुलाब के लेखक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। तो देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का आपके सामने चित्र दिख रहा है। आपका जन्म 23 दिसंबर 1899 में हुआ था। 23 दिसंबर 1899 और आपका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था और आपकी जो मृत्यु है 9 सितंबर 1968 को बिहार में हुई थी। अब हम देखते हैं आपकी कृतियां रचनाएं तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बहुत से संस्मरण, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आलोचना, बहुत से ग्रंथों की रचना करी है। और अब देखते हैं आपने जो रेखा चित्र लिखे हैं, माटी की मूर्तें और लाल तारा, संस्मरण है, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, कहानी चिता के फूल, फिर है उपन्यास यात्रा वृत्तांत उड़ते चले, फिर है नाटक सीता की माँ, राम राज्य, आपने निबंध गेहूँ और गुलाब, बंदे रानी विनायक को और जीवनी भी लिखी है महाराणा प्रताप की, जयप्रकाश नारायण की और कार्ल मार्क्स की। आपने आलोचनात्मक निबंध लिखे विद्यापति पदावली, बिहार सत्य की सुबोध की का, और आपने बहुत से पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, कर्मवीर, बालक, चुनू, नई धारा, योगी, हिमालय, कैदी, किसान और मित्र और जनता। अब देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा शैली क्या थी। तो शब्द शिल्पी बेनीपुरी जी की शैली का चमत्कार सभी रचनाओं में देखा जा सकता है। चमत्कार इसका शब्द शिल्पी बेनीपुरी जी की शैली का चमत्कार सभी रचनाओं में देखा जा सकता है, विशेषकर किसमें? रेखा चित्रों में, विशेषकर रेखा चित्रों में। भाषा की सरलता, सरसता और शैली के प्रवाह की दृष्टि से ये हिंदी के विशिष्ट शैलीकार हैं। विशिष्ट क्या है? शैलीकार इनकी सरलता, सरसता और शैली में प्रवाह की दृष्टि से इनको हिंदी के विशिष्ट शैलीकार भी माना गया है। शब्दों के तो ये क्या है? जादूगर है और छोटे छोटे चुटीले वाक्यों में शब्दों का सटीक प्रयोग इनकी निजी विशेषता। इनकी भाषा शैली रेखा चित्रों, संस्मरणों और गद्य गीतों में विशेष अनुरूप है। अब देखते हैं बेनीपुरी जी का साहित्य में स्थान। एक उत्कृष्ट निबंधकार, समर्थ रेखा चित्रकार, कुशल राजनीतिज्ञ और यशस्वी पत्रकार के रूप में बेनीपुरी जी ने हिंदी साहित्य जगत में अपना चिरस्मरणीय हमेशा रही। आपने राष्ट्र सेवा के साथ साथ साहित्य सेवा करने वाले महापुरुषों में बेनीपुरी जी अग्रणी है। आपकी रेखा चित्र विधा को समृद्ध करने में तथा साहित्य की विभिन्न विधाओं में
सेवा के साथ साथ साहित्य सेवा और महापुरुषों में आपका लेखा चित्र विकास को समृद्ध करने में और साहित्य के विभिन्न विधाओं के अनेक कृतियां लिखकर इन्होंने हिंदी की महान सेवा भी की है। अब हम देखते हैं बच्चों, गेहूं और गुलाब का पाठ का सारांश क्या है। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी जी का एक प्रसिद्ध प्रतीकात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने भौतिक आर्थिक और इस निबंध में लेखक ने भौतिक आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना और गुलाब को मानसिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का। मानव प्राचीन काल से ही सौंदर्य में ही रहा है, गुलाब के प्रति मानव का विशेष आकर्षण भी रहा है क्योंकि यह सुंदर पुष्प है, होने के साथ साथ उपयोगी भी है और सुगंध के लिए गुलाब का विशेष महत्व है। गेहूं का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, गेहूं का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं, गुलाब को खुशबू के लिए प्रयोग करते हैं और उसको सुनते भी हैं। एक से पेट भरता है तो दूसरे से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि मिलती है। एक से पेट भरता है मतलब गेहूं से पेट भरता है, हमारी आत्मा तृप्त होती है, किंतु गुलाब की खुशबू से हमको मानसिक संतुष्टि मिलती है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। और मानव ने अथक परिश्रम करके गेहूं का उत्पादन किया है, इसी प्रकार से गुलाब की भी खेती और इस तरह मनुष्य ने गुलाब और गेहूं में संतुलन बनाए रखने का भी प्रयत्न किया। भौतिक सुख और सुविधाओं से मनुष्य को स्थायी सुख और शांति प्राप्त होती नहीं हो सकती, ये सब तो एक दिखावा और छलावा है, लेकिन मानव इन सुख सुविधाओं के पीछे निरंतर दौड़ रहा है। इसी कारण मनुष्य में स्वार्थवश मानवता के स्थान पर दानवता बढ़ती जा रही है। ये सब प्रवृत्ति समाज के हित में नहीं है, अतः ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे मानसिक संस्कार विकसित हो, अर्थात गेहूं पर गुलाब की और शरीर पर मन की जीत हो जाए। जब गेहूं की दुनिया समाप्त हो रही है और गुलाब की दुनिया विकसित होती जा रही है, अतः विज्ञान और मानव दोनों को सचेत रहना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है। अब इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए इसमें दिए गए हम गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। गद्यांश भी बच्चों गद्य के पाठ का एक अंश होती है। तो ये हो गया पद पहला, पढ़ते हैं, मानव को मानव बनाया गुलाब ने, मानव मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों की तरजीह दी है। अब इसके कठिन शब्द है, मानसिक वृत्तियों मतलब मन की भावनाओं, तरजीह मतलब महत्व दिया है। संदर्भ बच्चों आपको पता होगा क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश गेहूं और गुलाब नामक शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। आपने प्रसंग कि एकल ने इस अंश में यह बतलाया है कि जहां गेहूं शरीर की आवश्यकताओं के लिए जरूरी है, वहीं गुलाब मानसिक वृत्तियों के लिए भी जरूरी है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि लेखक ने राम वृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि गेहूं मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं अर्थात भूख के लिए शारीरिक आवश्यकताओं अर्थात भूख अर्थात
और गुलाब दोनों चाय, क्योंकि एक हमारे शारीरिक आवश्यकता पूरी करता, हमारे भूख को मिटा रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, हमारे मन को प्रसन्न कर रहा है। इसलिए मानव को बनने के लिए हमें गेहूं और गुलाब दोनों चाहिए। इसका विशेष अध्याय में कि मानवीय सभ्यता के लिए गुलाब जैसी उच्च भावनाओं की भी आवश्यकता है। अब है पद दूसरा, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है और हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन सीधे तन कर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। समानांतर मतलब एक सीध में और मानस मतलब हो गया मनुष्य मानव। संदर्भ बच्चों को भी भाती है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ के गेहूं और गुलाब से लिए गए हैं और इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अब है प्रसंग, तो इस अंश में लेखक ने मानव और पशुओं की, इस पद में लेखक ने स्त्री मानव और पशुओं की शारीरिक बनावट में अंतर को बताया। अब है व्याख्या, तो लेखक कहते हैं, बेनीपुरी जी कहते हैं कि मानव और पशु की शारीरिक रचना में अंतर है। मानव और पशु की शारीरिक रचना में अंतर है। मानव की शारीरिक रचना में, मनुष्य की शारीरिक रचना में उसके पेट का स्थान नीचे है। मनुष्य की शारीरिक रचना में पेट का स्थान नीचे है। पेट के ऊपर हृदय का और उसके ऊपर मस्तिष्क का स्थान है। पेट के ऊपर हृदय और हृदय से भी ऊपर का है मस्तिष्क का स्थान होता है। किंतु पशुओं में जानवरों में उसका पेट समान और मानस समानांतर रेखा में नहीं होती। किंतु पशुओं के समान उसका पेट और उसका मानस समानांतर रेखा में नहीं होता। जिस दिन मानव सीधा तन कर खड़ा हो गया, जिस दिन मनुष्य सीधा तन कर खड़ा हो गया, उस दिन उसका मानस मस्तिष्क उसके पेट पर विजय प्राप्त कर लिए। जिस दिन अगर मनुष्य तन कर खड़ा हो गया, उस दिन उसने अपने उसके मस्तिष्क ने उसके पेट पर विजय प्राप्त कर ली। अब है पद तीन, जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, तब तक वह सुखी रहा और सानंद रहा। कठिन शब्द है इसके सानंद मतलब आनंद पूर्वक। हमारे गेहूं और गुलाब नामक निबंध से लिया गया है और इसके लेखक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। प्रसंग है, लेखक बताना चाहते हैं कि मानव जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन बहुत आवश्यक है। मानव जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन आवश्यक है और इन दोनों का संतुलन रहने पर मानव गेहूं और गुलाब का संतुलन अगर मानव जीवन में नहीं है तो मानव कभी सुखी नहीं रह सकता। लेखक कहते हैं कि जब तक मानव जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन बना रहेगा, जब तक मानव जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन बना रहेगा, तभी तक मानव सुखी और आनंद पूर्वक रहेगा। तभी तक मानव सुखी
रहेगा जब तक उसके जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन बना रहेगा। जिस दिन इन दोनों का संतुलन बिगड़ेगा, जिस दिन गेहूं और गुलाब का संतुलन बिगड़ेगा, उस दिन मानव का जीवन नरक बन जाएगा। अब है पद चार, पद चार, कैसा वह शुभ दिन होगा जब हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं को की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बसाएंगे। अब कठिन शब्द देखते हैं, स्थूल मतलब दिखाई देने वाला, सूक्ष्म मतलब जो बहुत छोटा होता है जिसको हम आसानी से नहीं देख सकते। संदर्भ वही पूर्व की बात है कि प्रस्तुत पद हमारे गेहूं और गुलाब नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी, और प्रसंग में इसमें लेखक ने स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की तुलना में सूक्ष्म मानव जगत को महत्व दिया। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं कि लेखक कहते हैं कि मानव जीवन में तभी खुशहाली और आनंद की प्राप्ति होगी कि मानव जीवन में तभी खुशहाली और आनंद की प्राप्ति होगी मतलब मानव तभी खुश और आनंद पूर्वक रहेगा जब हम शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीरों को तोड़कर, तब मनुष्य कब खुशहाल और आनंद से रहेगा, जब वह शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीरों को तोड़कर या अपनी शारीरिक आवश्यकताओं पर अपना नियंत्रण करना सीख जाएगा, सूक्ष्म मानव जगत में नया लोक बसाएंगे। तब प्राप्ति होगी जब हम शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर को तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बसाएंगे मतलब जब हम अपने शारीरिक आवश्यकताओं पर नियंत्रण करना सीख लेंगे, अपना संयमित जीवन जीना सीख लेंगे, उस दिन क्या होगा, हम एक नया सूक्ष्म नया जीवन बसाएंगे। बच्चों एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न पहला है कि गुलाब की दुनिया कैसी है। गुलाब की दुनिया रंगों की दुनिया है क्योंकि बहुत अलग अलग रंग बिरंगे लाल पीले सफेद नारंगी गुलाबी बहुत से कलरों में गुलाब आता है जिसको देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है थोड़ी देर के लिए। अगर हमारे मन में जो भी परेशानियां हैं कष्ट हैं हम सब अच्छे सुंदर फूलों को देखकर अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। फिर है दूसरा प्रश्न कि गेहूं किसका प्रतीक है। तो गेहूं आर्थिक और राजनीतिक संपन्नता का प्रतीक है। फिर है मानव का शरीर में पेट का स्थान कहाँ है। तो मानव के शरीर में पेट का स्थान नीचे है और पेट से ऊपर है हृदय और हृदय से ऊपर क्या है मस्तिष्क, इसलिए पेट का स्थान कहाँ है बच्चों नीचे। अब है प्रश्न चौथा, उसका सांवला दिन में गाय चराता था, रास रचाता था, किसके लिए प्रयोग। अब है गुलाब आज किसका प्रतीक बन गया। तो प्रश्न है कि गुलाब आज विलासिता का, भ्रष्टाचार विलासिता का, भ्रष्टाचार का, और गंदगी और गलीच का। गुलाब आजकल भ्रष्टाचार विलासिता गंदगी और गलीच का प्रतीक बन गया है। अब है प्रश्न पहला, पृथ्वी पर मानव
आया तो अपने साथ क्या लेकर आया? पृथ्वी पर मानव अपने साथ भूख और प्यास लेकर आया। मानव को मानव किसने बनाया? मानव को मानव गुलाब ने बनाया। फिर जो जीवन सुखी और आनंदित कब होता है? जीवन सुखी और आनंदित तब होता है जब वह गेहूं और गुलाब में संतुलन करना सीख जाता है। कब होता है? जब वह गेहूं और गुलाब में संतुलन करना सीख जाता है तो मानव सुखी और हो जाता है। फिर है गुलाब किसका प्रतीक बन गया है? अभी हमने पढ़ा था गुलाब विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और प्रतीक बन गया है। अब आज का मानव किस परंपरा से प्रभावित है? आज का मानव शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता से प्रभावित है। फिर है कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर हमारी प्रवृत्तियां किस ओर होनी चाहिए? कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। फिर गेहूं और गुलाब से मानव को क्या प्राप्त होता है? तो गेहूं से मानव के शरीर की पुष्टि होती है, शरीर पुष्ट होता है, और गुलाब से उसका मन तृप्त होता है, उसको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। फिर मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? अभी हमने पढ़ा पद में कि मनुष्य के शरीर में पेट का स्थान नीचे है, उसके ऊपर हृदय का स्थान, और हृदय से ऊपर क्या है? मस्तिष्क का। और पशुओं के शरीर में पेट और मानस समानांतर रेखा में होते हैं। अब है प्रश्न, विज्ञान ने गेहूं के विषय में क्या बतलाया है? तो विज्ञान ने गेहूं के विषय में बताया है कि पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रक्रिया से पौधों की बालियों में संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। और बच्चों ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी किताब में भी दिए गए हैं, तो आप चाहो तो अपनी किताब के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ को पूरा कॉपियों में लिखेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होना है।